वहीं लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हुई। चर्चा की शुरुआत पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने की। अनुराग ठाकुर ने अपने भाषण की शुरुआत धमाकेदार तरीके से की। इस दौरान उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और विपक्ष पर जमकर हमला बोला। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा में सोमवार को आपातकाल, नीट और कई मुद्दों पर तीखी बहस हुई। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनुराग ठाकुर अपने मुखर और प्रभावशाली बयानों से विपक्ष को निशाने पर लेते हुए नजर आए। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी नेता विपक्ष बने हैं, पर उन्हें इस पद की जिम्मेदारी समझनी चाहिए। एक बात तो अच्छी हुई अध्यक्ष जी कि माननीय राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष बने हैं। मैं अपनी ओर से राहुल गांधी जी को नेता प्रतिपक्ष बनने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। राहुल गांधी जी का नेता प्रतिपक्ष बनना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले दो दशकों में ये पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी इंजॉय कर रहे थे, ये मजा लेते थे, लेकिन अब इनको पावर के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी। इसलिए जो मोदी जी को कहते हैं कि मोदी जी की तीसरी टर्म अग्नि परीक्षा है, ये तीसरी टर्म मोदी जी की अग्नि परीक्षा नहीं, ये अग्नि परीक्षा विपक्ष की है, विपक्ष के नेता की है। क्या वो विपक्ष को एकजुट रख पाएंगे? क्या वो पहले की तरह जो 50% माननीय अध्यक्ष जी जिनको लोकसभा बंक करने की आदत थी, 50% से कम हाजिरी थी, क्या वो सारा दिन लोकसभा में बैठ पाएंगे? अच्छा नहीं है, ओह आज भी नहीं अध्यक्ष जी, क्या वो लोकसभा में बैठ पाएंगे? देर शाम तक बैठना पड़ेगा। जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी इस पार्लियामेंट हाउस में रहते हैं, अब आपको अनुपस्थित जमींदारी नहीं चलेगी। एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म वॉन्ट वर्क, एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म वॉन्ट वर्क। अध्यक्ष जी तीन बार प्रयास करने के बाद भी जो 100 के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाया, 99 पर ही रुक गया, वो तो यही कहते हैं दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, इतनी नौटंकियों के बाद भी 99 पर ही अटक कर रह गए, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, तीसरी बार भी विपक्ष में आकर बैठ गए। माननीय अध्यक्ष जी उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र भी किया। उन्होंने विपक्ष की संविधान वाली डिबेट का भी जवाब दिया। मोदी जी के पिछले 10 वर्षों के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के महानुष्ठान पर मोहर है। देश को जरूरत थी एक स्थिर और निरंतर सरकार की, और देश ने एक स्थिर, निरंतर और प्रभावी सरकार को फिर चुना है और मोदी जी को फिर देश का प्रधानमंत्री चुना है। ये जनादेश विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए है। ये जनादेश मोदी जी के नेतृत्व में तीसरे कार्यकाल में भारत को विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए है। ये जनादेश विपक्ष के भय, भ्रम और भ्रष्टाचारी राजनीति पर तमाचा है। ये जनादेश मोदी जी द्वारा चलाए जा रहे सामाजिक न्याय पर समाज की मोहर है। यह जनादेश देश को तोड़ने की नहीं, जोड़ने की राजनीति चलेगी, इस पर मोहर है। यह जनादेश संविधान विरोधियों को लगातार तीसरी बार विपक्ष में बिठाने के लिए जनादेश है। पिछले 10 वर्ष मोदी सरकार के कोई भ्रष्टाचार का 1 रुपए का आरोप भी नहीं लगा पाया। ईमानदार सरकार दी है तो नरेंद्र मोदी जी ने दी है। GDP ग्रोथ रेट 4.6% थी, अगर मैं Q3 की बात करूं पिछले साल की तो 8.4% है। आज दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला देश भारत है। मैं आप सबसे एक और पूछना चाहता हूं, कितने पन्ने होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? कितने? ऐसा मोटा करके मत बताओ, पेज कितने होते हैं? हाँ, रोज लेके घूमते थे, कभी खोल के पढ़ो तो सही। अरे पढ़ते हो नहीं, लहराते फिरते हो, निकालो जेब से देखो,
नकली मार लो, बताओ कितने पन्ने होते हैं। अरे बड़ा संविधान 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 करते थे, पहले संविधान बनाने वाले को उनको पानी प्रताड़ित करते हैं, अब संविधान दिखाते पढ़ते नहीं है, संविधान को कुचला किसी ने। अध्यक्ष जी, ये लड़े ही मात्र 60% सीटों पर थी, ये देश की सबसे पुराना राजनीतिक दल मात्र 60 सीटों पर चुनाव लड़ा, 60% सीटों पर, 328 सीटों पर, और उनमें से भी 70% सीटों पर कांग्रेस हार गई, जनता ने इनको नकार दिया है। 328 सीटों में से 229 सीटों पर कांग्रेस की हार हुई है, जनता ने आपको नकार दिया है। एक तो लड़ाई 60% सीटों पर, उसके बाद 70% सीटों पर हार गए, और यही नहीं सर, अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने गरीबों को और गरीब किया, जनता ने कांग्रेस को बार बार नकारा है। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी बयान दिया और कहा कि हमने वर्क फ्रॉम होम तो सुना था, अब वर्क फ्रॉम जेल देखने का अवसर विपक्ष के गठबंधन ने दिया है। देश में गरीब जरूरतमंद के पास शौचालय नहीं था, पक्का मकान नहीं था, बिजली का कनेक्शन नहीं था, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं थी। माननीय अध्यक्ष जी, क्या बदलाव आया 10 सालों में? पिछले 10 सालों में 4 करोड़ पक्के मकान बनाकर गरीब और जरूरतमंद को दिए तो नरेंद्र मोदी जी। हमने वर्क फ्रॉम होम तो सुना था, वर्क फ्रॉम जेल देखने का अवसर भी इन लोगों ने दिया कि जेल से सरकार कैसे चलती। अपने आप को सबसे ईमानदार बताने वाला आज कट्टर बेईमान कोई है तो आज जेल में है, और जो जेल से निकल कर आए थे जैसे टिफिन ब्रेक लंच ब्रेक लेके चुनाव प्रचार करने, वो बैक टू तिहाड़ चले गए। और खैर, इनके गठबंधन की दुर्गति देखकर मुझे एक गीत याद आता है, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गया देखते देखते। वो जो कहते थे गठबंधन करेंगे ना कभी, बच्चों की कसम भी खा गए भूल कर देखते देखते। गठबंधन भी किया तो किसने? एक राज्य में किया, दूसरे राज्य में नहीं किया। आज दिल्ली की जहां पर मैं खड़ा हूं वहीं की हालत देख लीजिए, चोर चोर मुसेरा भाई, सब ने मिलकर गठबंधन की गुहार लगाई, लेकिन दिल्ली की जनता ने खाता भी नहीं खुलने दिया, सातों की सातों सीटों पर कमल का फूल खिलाने का काम किया है। उन्होंने राहुल गांधी पर बयान दिया कि क्या कांग्रेस का राहुल यान फिर से फेल हो गया है। माननीय अध्यक्ष जी, कुछ लोगों की बार बार, माननीय अध्यक्ष जी, एक और देश ने देखा है कि कैसे हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत के कारण जो दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया वो चंद्रयान मिशन की सफलता ने करके दिखाया है। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाने वाला देश हमारा भारत दुनिया का पहला देश बना है, पहला देश बना। एक और चंद्रयान मिशन की सफलता, आदित्य एल1 सोलर की सफलता, तो दूसरी ओर क्या राहुल यान फिर एक बार फेल हो गया है? कांग्रेस और इनका इकोसिस्टम कुतर्कों के सहारे राहुल यान को सफल करने की बात करता है। मैं पूछता हूं अध्यक्ष जी, ये 4 जून से दिखाने में लगे हैं कि 99 का आंकड़ा 240 से ज्यादा बड़ा होता है। अध्यक्ष जी, क्या 99 240 से ज्यादा बड़ा होता है? कांग्रेस की इस बार सीटें 99 आई है, एक और छोड़ गए 98 रह गई। अपने आप में ये रिकॉर्ड तीसरी बार विपक्ष में बनाने का इन्होंने बनाया है। धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि विकास और विरासत हमारी सरकार की पहचान है। अनुराग ठाकुर के लोकसभा में दिए इन बयानों की सोशल मीडिया में चर्चा है कि किस तरह बड़े ही प्रभावशाली ढंग से उन्होंने विपक्ष के सभी आरोपों पर जवाब दिया। ब्यूरो रिपोर्ट MH1 न्यूज।